कानपुर में आपका स्वागत है। कानपुर शहर उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। कानपुर शहर को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर अपने चमड़ा उद्योग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित और शिक्षित जगहों में से एक है। कानपुर उत्तर प्रदेश राज्य का पहला ऐसा शहर है जो भारत सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देता है। उत्तर प्रदेश के किसी अन्य शहर के मुकाबले कानपुर में सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। यह शहर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बेहद नजदीक है। कानपुर दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर 7 दिनों तक होली खेली जाती है। लगभग 403 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले कानपुर शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 29 लाख से ऊपर थी। आबादी के लिहाज से कानपुर शहर उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का 12वां सबसे घनी आबादी वाला शहर है। कानपुर जिला 3 तहसीलों में बटा हुआ है, कानपुर, भिल्लौर और घाटमपुर। धार्मिक दृष्टिकोण से कानपुर शहर में 76% हिंदू, 20% मुसलमान, 1.7% जैन तथा 2.3% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। कानपुर शहर की साक्षरता दर 82.42% है। इससे यह पता चलता है कि कानपुर शहर में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। कानपुर शहर का घंटाघर अपने आप में रहस्यमय स्थल है। इस ऐतिहासिक घंटाघर को सन 1932 में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में इस घंटाघर की सुई की आवाज़ से लगभग 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी। आसपास के गांव के लोग इस घंटाघर की सुई की आवाज़ सुनकर अपनी घड़ियों का समय मिलान किया करते थे। कानपुर शहर को उत्तर प्रदेश का एजुकेशन हब भी बोला जाता है। कानपुर शहर का IIT कॉलेज, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, हार्कोर्ट बटलर यूनिवर्सिटी और PSIT यहाँ के प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। इतिहास के पन्ने बताते हैं इस शहर की स्थापना सचेंदी राज के राजा हिंदू सिंह ने की थी। कानपुर शहर का मूल नाम कानापुर हुआ करता था। कई वर्षों पहले जब नवाबों का शासनकाल अंतिम चरणों में था तब यह शहर पुराना कानपुर, पटकापुर, कुरसवां, जोही तथा सीमाओं गांव के मिलने से बना था। कानपुर के परेड ग्राउंड में अंग्रेजों के शासनकाल में परेड हुआ करती थी, इसलिए आज के समय में इसे परेड ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। आवागमन के दृष्टिकोण से कानपुर शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा है। रेल मार्ग, कानपुर शहर में कुल 8 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। कानपुर सेंट्रल, अनवरगंज, चकेरी, गोविंदपुरी, रावतपुर, कल्याणपुर, चंदारी और पनकी रेलवे स्टेशन, जिनमें से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन यहां के प्रमुख रेलवे स्टेशन में से एक है। ये रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत के सबसे व्यस्त एवं बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। हावड़ा जंक्शन और दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद कानपुर सेंट्रल भारत का तीसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। सड़क मार्ग, कानपुर शहर में कुल 3 बस स्टैंड मौजूद हैं, जगरगट्टी, चुनीगंज, फजलगंज बस स्टैंड। कानपुर शहर के तीनों बस अड्डे भारत के कई शहरों से जुड़े हुए हैं जिनके जरिए आप आसानी से कानपुर शहर पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग, कानपुर के चकेरी इलाके में स्थित कानपुर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों में से एक है। कानपुर हवाई अड्डा अपने वायु मार्ग के जरिए दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, बेंगलुरु, मुंबई और भारत के कई अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। कई बॉलीवुड फिल्मों ने कानपुर शहर की रंगबाजी और संस्कृति को पूरी तरीके से कैद किया है। शादी में जरूर आना, बाला, तनु वेड्स मनु, दबंग 2, बंटी और बबली आदि कई अन्य फिल्में कानपुर शहर में शूट की गई है। कानपुर शहर अपने कई खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी कानपुर शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।